आमतौर पर विद्यालयों व महाविद्यालयों में छात्र छात्राएं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन मंगलवार को कॉलेज के व्याख्याता ही विरोध के स्वर मुखर करते नजर आए। दरअसल राज्य सरकार ने सोमवार को आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। इस सूची में कॉलेज शिक्षा निदेशालय के प्राचार्य पद पर एक आरएएस अधिकारी को लगाया गया है, जो कि महाविद्यालय के व्याख्याताओं को रास नहीं आ रहा। व्याख्याताओं का कहना है कि सरकार नौकरशाही को बढ़ावा दे रही है। व्याख्याताओं ने प्राचार्य पद पर आरएएस अधिकारी नहीं लगाने की मांग सरकार से की है। विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है और इस लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले ही अब लोकतांत्रिक व्यवस्था पर नौकरशाही का आरोप लगा अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। आमतौर पर विद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र छात्राएं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन मंगलवार को कॉलेज के व्याख्याता ही विरोध के स्वर मुखर करते नजर आए। दरअसल राज्य सरकार ने सोमवार को आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। इस सूची में संयुक्त निदेशक आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के प्राचार्य पद पर एक आरएएस अधिकारी को लगाया गया है, जो कि महाविद्यालय के व्याख्याताओं को रास नहीं आ रहा। व्याख्याताओं का कहना है कि सरकार नौकरशाही को बढ़ावा दे रही है। व्याख्याताओं ने प्राचार्य पद पर आरएएस अधिकारी नहीं लगाने की मांग सरकार से की। इसको लेकर मंगलवार को राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज करवाया। 11 फरवरी 23 को आरएएस की जो लिस्ट निकली है उस तबादले हुए हैं, स्थानांतरण और पद स्थापना। उसके अंदर हमारे कॉलेज शिक्षा निदेशालय के जो प्राचार्य का जो पद होता है उसके ऊपर प्रशासनिक अधिकारी को, आरएएस अधिकारी को लगाया गया है, उसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये परंपराएं और ये परिपाटी नितांत गलत है। यदि ऐसा ही है तो फिर प्रत्येक क्षेत्र में ही नौकरशाही को ही मजबूत बनाया जाए और समस्त छात्रों को ही नौकरशाही के हवाले कर दिया जाए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। फिर तो शिक्षकों का यहाँ होना या नहीं होना कोई उसका अर्थ नहीं रखता। फिर तो ये सारे के सारे प्रशासनिक अधिकारी ही इन शिक्षकों की क्लास ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है इस आदेश के पीछे? अब ये तो साहब सरकार का मामला है, हम हमारी बात कहने में सक्षम है, आगे काम करना सरकार का काम। आज काला फीता बांधा गया है, ज्ञापन दिया गया है, काला फीता बांध करके हमने आज विरोध जताया है इस बात का, और जरूरत पड़ी तो हो सकता है ये विरोध और भी आगे बढ़ाए। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि हाल ही में जारी की गई तबादला सूची में संयुक्त निदेशक आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के प्राचार्य पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को लगाया गया है, जो कि नियमगत व्यवस्था के प्रतिकूल है। इससे महाविद्यालय शिक्षा सेवा के समस्त सहायक आचार्य स्तुब्ध व आक्रोशित हैं। उन्होंने ज्ञापन के जरिए मुख्यमंत्री से इस आदेश को निरस्त कर पूर्व की व्यवस्था को बरकरार रखने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में कॉलेज व्याख्याता और स्टाफ मौजूद रहा।